नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की 93वीं वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। फिक्की के इवेंट में पीएम मोदी बोले, नियत और नीति से किसानों का हित चाहते हैं, सुधारकों का सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। यूएस में फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी, ट्रंप बोले 24 घंटे के अंदर लगेगा पहला टीका। योगी सरकार का डॉक्टरों पर बड़ा फैसला, बीच में नौकरी छोड़ी तो लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। किसानों का प्रदर्शन हुआ तेज, करनाल में टोल प्लाजा किया फ्री, यूपी में पीएससी की तैनाती। दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हरियाणा के किसान, सड़कों पर ट्रकों की दिखी लंबी कतारें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का किसान आंदोलन को समर्थन, ट्वीट कर लिखा, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी देनी होगी आहुति। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कृषि आंदोलन का विरोध करते हुए कहा, मोदी जी लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर हमला, पिछले 17 दिनों में 11 किसान भाइयों की शहादत के बावजूद निरंकुश मोदी सरकार का दिल नहीं पसीजा। यूपी के सभी टोल प्लाजा पर सुरक्षा और सतर्कता के निर्देश, प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएससी की तैनाती। यूपी के टोल प्लाजा पर सुरक्षा चाक चौबंद, किसान आंदोलन को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए निर्देश। यूपी सरकार ने बढ़ाई सतर्कता, लखनऊ में टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस तैनात, मेरठ में किसानों ने कराया टोल फ्री। सोशल इंजीनियरिंग के रास्ते पर अखिलेश यादव, नाम बदलने के 3 महीने बाद निर्माणाधीन संग्रहालय पहुंचे, सोशल मीडिया पर दिया मैसेज। बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए अधिकारियों के साथ फिर बैठे सीएम नीतीश, महिला सुरक्षा भूमि विवाद पर किया फोकस। दिल्ली में रोहड़ी के प्रेमनगर इलाके में पहचान छुपाकर मंदिर में की शादी, झूठ पकड़ा गया तो लड़की से की मारपीट। तमिलनाडु में सीबीआई की रेड में जब्त 45 करोड़ का सोना गायब, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। मौसम ने ली करवट, दिल्ली और एनसीआर में तेज गरज के साथ बारिश, मौसम विभाग पहले ही दे चुका था चेतावनी। यूपी में बादलों के हटते ही बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री गिरा पारा, 16 दिसंबर के बाद पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। राजस्थान एमपी समेत कई राज्यों में बारिश होने से 6 डिग्री तापमान गिरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 48 घंटे में और बढ़ेगी ठंड। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मदद करने वाला वीडियो निलंबित, एसआईटी की रिपोर्ट आने पर हुई कार्रवाई। किसानों के समर्थन में इस साल जन्मदिन नहीं मनाएंगे युवराज सिंह, सोशल मीडिया पर इस बात की करी घोषणा। कोरियोग्राफर पुनीत पाठक ने बेस्ट फ्रेंड निधि मुनी सिंह के साथ रचाई शादी, लोनावला में हुई वेडिंग सेरेमनी। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए तस्वीर, बोली बचपन से ही थी पिता के जैसे बनने की ख्वाहिश। नीतू कपूर की कोविड रिपोर्ट आई निगेटिव, बेटी रिद्धिमा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, कहा शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। सुपरस्टार रजनीकांत को मिला बर्थडे पर ट्रिब्यूट, घर के बाहर दिखा फैंस का हुजूम, 70 साल के पूरे हुए रजनीकांत। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।